नमस्ते बच्चों, इधर आओ। इतनी देर कैसे कर दी शाश्वत? दीदी, मैं इनको शरीर के विशेष अंगों के बारे में बता रहा था। हाँ। तो मैंने सोचा कि यहीं पर ही आ जाए, आप हम मुझसे अच्छा बता सकती हैं। हाँ, आओ बैठो बैठो फरीदा, साइमा बैठो। चलो, अपना पाठ शुरू करने से पहले मैं तुम्हें छाती का एक उदाहरण देती हूँ। मानव शरीर के बारे में जानने से पहले देखो, अगर इस छाते को हम खोलें और देखो, अगर इसकी तीलियां हटा दी जाए तो क्या होगा? गिर जाएगा, छाते का कपड़ा गिर जाएगा। ठीक इसी तरह हमारा शरीर होता है, अगर इसमें से हम हड्डियां हटा दें देखो, तो क्या होगा? क्या हमारा शरीर खड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। इसी तरीके से हमारे शरीर में कंकाल की और हड्डियों की बहुत मुख्य भूमिका होती है। आओ, इसके साथ साथ इन चित्रों के माध्यम से बताने के पहले मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। मुझे ये बताओ कि हमारे शरीर में जो अंग दिखते हैं, इसके अलावा क्या कुछ अंग ऐसे होते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते? बताओ तो शाश्वत। दीदी, जैसे कि हमारे आते आते हो गई, तुम बताओ फरहान। गुर्दा। गुर्दा हो गया, शाबाश। हड्डियां। हाँ, और बताओ। आप कह सकते हो जैसे हमारे फेफड़े हो गए, वो भी तो नहीं दिखाई देते। तुम बताओ साइमा, जैसे हमारी नसें हो गई, कहीं खून तो मैं दिखाई देता, खून भी होता है। हृदय हो गया। इस तरीके से बहुत सारे जो हमारे अंग होते हैं वो शरीर के अंदर छुपे होते हैं, और उन पर आवरण डालने का काम कौन करती है? त्वचा, मांसपेशियां, है ना? मांसपेशियों के ऊपर त्वचा स्थित होती है। तो त्वचा का काम क्या होता है? महसूस करना होता है। साथ साथ अगर हमारे शरीर में जो दूषित पदार्थ है उनको निकालना हो तो वो पसीने के रूप में बाहर निकालती है। देखते हो इस चीज को? चलो, पर तुम ये बताओ, जो तुम्हारी आंख के ऊपर पलक होती है, ये किस लिए होती है? नहीं पता? देखो, हम अगर ऐसे करें तो तुम्हारे आंख की रक्षा क्या कर रहा है? पलक कर रही है, ठीक है? और इन गतिविधियों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हमारा दिमाग करता है। अपने नाक दिखाओ। देखो, जो नाक में तुम्हारे बाल है, बताओ ये क्यों होते हैं? फरहान, नहीं मालूम तुम्हें? साइमा, तुम बता सकती बेटी? दीदी, मुझे भी नहीं मालूम। चलो कोई बात, मैं बताओ। दीदी बताओ। ये जो हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं, उनसे जो बाहरी धूल और दूषित पदार्थ होते हैं वो उनको रोकता है। हाँ, समझ में आया फरहान बेटी? अब तो अब आया बिमला जी? दीदी, ठीक है। और इसीलिए कहते हैं कि नाक में उंगली नहीं घुसानी चाहिए। देखो ना, हमारी जो नाक की संरचना होती है वो कितनी मुलायम होती है, अगर आप डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे खून भी निकल सकता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साइमा, तुम अपने दांतों दिखाओ जरा, कितने अच्छे अच्छे दांत हैं। और हमारे जो मुंह होता है उसमें कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत, ये तो सबको पता है, ठीक है। और हमारे दांतों के अच्छे रहने में कौन सा पदार्थ है जिसको हम खा करके अपने दांतों को मजबूत करते हैं? कैल्शियम होता है, और कैल्शियम ही हमारे हड्डियों के बनने में, मजबूत होने में प्रमुख भूमिका निभाता है। और जो हमारे दांत होते हैं उसमें भी जो दांत होते हैं उनके अंदर एक बहुत अच्छी सी चीज होती है जो छुपी होती है, उसे तुम बहुत चटकारे लेके चीजें खाते हो, पता वो क्या चीज होती है? जीभ होती है। परंतु तुम चलो फिर से जीभ निकाल के दिखाओ। अच्छा, अब हमें सब बच्चे बताएंगे एक एक करके, जिसका मैं नाम पूछूंगी वो ही बताएगा कि जीभ के आगे वाले हिस्से से हम किस चीज का स्वाद ले सकते हैं? मीठा। मीठे का, शाबाश शाश्वत। अच्छा, अब तुम बताओ साइमा, जो इसके पीछे वाला भाग होता है तुम्हें पता है कि नहीं, इसमें हम किस चीज का स्वाद लेते हैं? नहीं दीदी। चलो तुम बताओ विमला। नहीं, नहीं पता। आप बताओ शाश्वत। इसमें हम थोड़ा सा नमकीन, नमकीन का मैं बता देती हूँ। इधर हम खट्टे का लेते हैं और सबसे पीछे कड़वे का। अच्छा लगता है कड़वा खाना? नहीं अच्छा लगता ना, ठीक है। अब जीभ बंद कर लो फरहान, अब आपके समझ में आया बेटे? तो जीभ के आगे वाले हिस्से में सब लोग मेरे साथ मिलके बोलो, मीठा। और जो साइड में होते हैं, जो हमारे बगल में होते हैं, उनमें नमकीन नहीं, खट्टे का, खट्टे का भूलना नहीं, ठीक है। और जो जीभ के ये पीछे वाला हिस्सा होता है इसमें नमकीन का, और सबसे पीछे वाले में कड़वे का। अब तो समझ में आ गया, ठीक। और दांतों की नियमित रक्षा करने के लिए हम क्या करेंगे? मंजन करेंगे, दातुन करेंगे, ठीक है। और रात को भी बिना मंजन किए मत सोना। जो ये गड्ढे दिखाई दे रहे हैं साइमा बताएगी, साइमा इसके अंदर क्या स्थित होता है बेटा? आंखें स्थित होती हैं। तो जो हमारा कंकाल है इसमें ऊपरी भाग में हमारा दिमाग स्थित हुआ, इसमें आंखें स्थित हुई, साथ साथ जो एक और गड्ढा बना हुआ इसके अंदर जीभ, दांत, ये सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। इसके बाद अब और नीचे आते हैं तो ये जो पसलियां सी आपको दिखाई दे रही है, ये देखो ये हड्डियां, ये कुल 12 होती है,
ठीक है, और इसमें दो जो होती है ये तैरती हुई होती है। जी जी आपने पढ़ा होगा अपने विज्ञान की किताब में। और इसी के अंदर दो अंग स्थित होते हैं, एक फेफड़ा और एक दिल, दिल, दिल जिसको हृदय भी कहते हैं। और इसके बाद इसको जो सहारा देता है फेफड़ों को और इसके ऊपर जो पसलियां होती हैं, इसको सहारा देता है हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है पीछे, इसमें ये पसलियां बंधी होती है एक तरीके से। और ये बाहरी जो चोट लगेगी, जैसे हम फरान को यहाँ मारे तो कौन चीज रक्षा कर रहा है, पसलियां रक्षा कर रही है। ठीक है दीदी, मैं एक चीज बताऊं? बताओ दीदी, जो हमारा बायां फेफड़ा होता है वो दायां फेफड़े से थोड़ा सा छोटा होता है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने, ऐसा क्यों होता है बताओ तो बेटा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा बायां फेफड़ा होता है उसमें दिल स्थित होता है। अब याद रहेगा ये चीज, आपने बहुत अच्छी बात बताई बेटे, शाबाश। ऐसे ही ध्यान से कक्षा में अपनी टीचर, अपनी जो अध्यापिका होती है उसको सुना करो कि हमारा जो बायां जो फेफड़ा होता है इसमें हृदय होने के कारण ये थोड़ा छोटा होता है। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आओ तो यहाँ पर दो बहुत अच्छी चीजें होती है, उनको क्या कहते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। आप बता सकते हो चूंकि आप थोड़े से बड़े हो कि इसमें जो छोटी आंत होती है वो क्या काम करती है? इसमें खाना पच जाता है। हाँ, छोटी आंत के द्वारा खाना पच जाता है, और जो बड़ी आंत होती है वो पूरे खाने को उसका जो अच्छा जो चीज होती है, जो पोषित जो पोषण वाली चीजें होती है उसको रस में बदल करके हमारे रक्त में मिला देती है, और पूरे शरीर में धीमे धीमे हर तरीके से वो पहुंच जाता है और हमारा शरीर फिर से मजबूत होता है। ठीक है, और जो बाहरी जो बेकार पदार्थ होता है वो अवशोषित होकर के धीमे धीमे हमारे उत्सर्जित अंगों द्वारा बाहर निकल जाता है। अब समझ में आया साइमा? ठीक है, अच्छा चलो, ये दो जो हड्डियां होती इसके अंदर क्या स्थित होता है? गुर्दा, गुर्दे होते हैं। ठीक है, और हमारा जो पाचन तंत्र का जो और नीचे वाला जो उत्सर्जन अंग जो होते हैं उसका जो तंत्र होता है वो यहाँ पर स्थित होता है। इसके द्वारा हमारे शरीर की जितनी भी दूषित चीजें होंगी वो खराब चीजें उनको वो बाहर निकाल करके गुदा द्वारा वो निकाल देगा। और साथ साथ हमारे शरीर में ये दो चीजें भी हमारे बैठने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। मान लो ये ना हो तो क्या फरहान तुम बैठ पाओगे इसके बिना? ना तो तुम ठीक से खड़े हो पाओगे। ठीक है, और इन्हीं से हमारे जो ये गोल होते हैं इन्हीं में हमारी हड्डियां पैर वाली जो होती है ये जुड़ी होती है। देखो दिख रही है आपको यहाँ तक देखो, और अगर ये पंजे ना हो या हड्डियां ना हो तो तुम खड़े भी नहीं हो पाओ, कैसे ऐसे तुम खड़े हो गए? ठीक है, तो ये जो हड्डी होती है ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। इसका नाम क्या होता है? फीमर। ठीक है, ये दोनों हड्डियां। चलो अब तो यहाँ पर आ गए। इसी तरीके से हाथ में होता है केगर, और ये जो हमारी हड्डियां होती है ये जुड़ी होती है, एक ऐसे सॉकेट बने होते हैं जैसे कोई यहाँ लिखा हुआ, इतना ये घुस जाएगी गोलों में और ये हमारे घूमने का काम करती है। अगर हाथ सीधा होती इस लकड़ी की तरह रहेगा घूम ही नहीं सकता है ना, इसको मोड़ोगे तब भी नहीं होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको कंकाल का पूरा प्रक्रिया समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, हम लोग आते हैं आंख पर। ठीक है, आंख में जो हमारी रक्षा करती है आंख के अंदर गोले की, ये कौन करता है? पलक। पलक करती है, फरहान ने कभी देखा ना पलक करती है। अगर फरहान को कोई मार दे तो फरहान की आंखों से क्या निकलता है? आंसू निकलते हैं। अगर ना भी मारे कोई और मान लो आंख में कुछ गिर भी जाए तो भी आंसू निकलते हैं, और आंसू जो है वो हमारी आंखों को तरल रखने का काम करते हैं, है ना, जिससे कि हमारी आंखें तरल रहती हैं और ठीक से ऐसे पलक घूम सकती है, देख सकते हो। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि अपनी आंखों की रक्षा आपको अच्छे से करनी चाहिए। इसीलिए क्या कहा जाता है कि दो टाइम आपको आंखें जरूर धुलनी चाहिए। ठीक है, बहुत देर तक पढ़ो तो क्या करना चाहिए, खूब अच्छा पानी डाल करके अपनी आंखों की रक्षा करनी चाहिए ठंडे पानी से। शाबाश निर्मला। आईमा दिखाई दे रहा है, फिर आपको दिखाई दे रहा है कान। ठीक, अब इस कान में एक मोम जैसा पदार्थ रहता है, देखा है कभी? ठीक है, वही चीज जो होती है वो बाहरी पदार्थों को अंदर घुसने से रोकती है, रोक बचा लेगी। ठीक है, और अंदर देखो कितनी सूक्ष्म संरचना है कान की, जो हमारे कान में सुनने की, इसके साथ साथ जो संतुलन होता है हमारा शरीर का उसमें हमारे कान की भी बहुत प्रमुख भूमिका होती है। मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, आप मुझे बता सकते हो कि हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हमारे शरीर के तापमान को बनाने में बहुत ज्यादा मदद रखता है? त्वचा दीदी। त्वचा, शाबाश। ठीक है, त्वचा जो होती है हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में एक मुख्य भूमिका निभाती है। इसी प्रकार जो हमारे शरीर का जो संतुलन होता है, अगर आप पुस्तकों में पढ़े विज्ञान की तो ये बताता है कि कान की बहुत प्रमुख भूमिका होती है। ठीक, तो कान की हमें बहुत ज्यादा रक्षा करनी चाहिए। बताओ बेटी,
अगर वो पर्दा कान का फट जाए तो कोई बहरा भी हो सकता है। बहुत अच्छी बात कही। अगर हम बहुत तेज आवाज सुन लें या कोई बहुत तेज कान पे मार दे या कोई बाहरी पदार्थ तेजी से अंदर घुस जाए तो हो सकता है कि हमारा कान का पर्दा फट जाए और हम बहरे भी हो सकते हैं। फरहान ये बताओ, जो तुम्हारी जीभ होती है इसके सबसे आगे वाले हिस्से से हम किस चीज का स्वाद लेते हैं? मीठा। मीठे का। शाबाश। चलो अब आप मुझे बताओ हमारे पसलियों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। नहीं ये तो गलत हो गया, आपने प्रश्न ध्यान से नहीं सुना। पसलियों में? हाँ मुझे नहीं मालूम, आपने ध्यान से नहीं सुना। निर्मला तुम बताओ बेटा। पसलियों में दीदी मुझे भी नहीं पता। विमला आप बताओ। 12 हड्डियाँ। 12 जोड़े होते हैं, इधर 12 इधर 12, ठीक है। उसमें से 12 में से दो जो होती हैं वो तैरती रहती है, और जो हमारी हड्डियाँ होती हैं पसलियों की वो किससे बंधी होती हैं? रीढ़ की हड्डी से। और रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी छोटी छोटी हड्डियाँ बनी होती हैं? 33। 33 हड्डियाँ होती हैं जो रीढ़ की हड्डी में होती हैं। तो जितना मैंने पढ़ा है वो पूरा समझ में आया? जी जी।